Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We provide you support for IIT JEE, then UPSC, MPSC, SSC exams, CBSC classes from 6 to 12, and NEET UG. So, enroll with our Unacademy Plus subscription with flat 10% off discount and ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So welcome to the class, friends. Dear learners, I am Trupti Deshmukh. I have done Masters of Computer Engineering. I am teaching you with the subjects like programming in Python, C, C++, Java, Android application development, C Sharp, and ASP.NET. So before moving the forward, please video ko like kare, channel ko subscribe kare, aur haan, bell icon dabana na bhule. So, friends, let us start with our new session. Hi, friends. So, today we are going to discuss one of the most used data type in Python, that is Python strings. So, there kis baat ki hai, aaj ka lecture hum shuru karte hain. Okay. First of all, what is strings? I think hum logon ne strings dekhi hai, jaise ki udhar se hum logon ne aaj tak input dekhe dekha hai. That is nothing but what some kind of strings also. So, what we can call it as, the strings are nothing but the sequence of characters or collections of characters. Are sequence or collections of characters, right? Generally, strings jo hai Python mein kya hoti hai, using double quotes or single quotes, hum usko initialize kar sakte hai aur ya user se डेटा भी इनपुट करके ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम गोइंग टू राइट लाइक दैट, ए इज इक्वल्स टू हेलो पाइथन. सो यहाँ पर देखिए, हेलो पाइथन ये क्या है, ये एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग है. ओके, जो हम लोगों ने क्या कर दी है, डायरेक्टली एक वेरिएबल ए को असाइन कर दी. सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर आप लोग क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग जो है वो डायरेक्टली वेरिएबल को असाइन करके देख सकते हो. और इसके अलावा हम लोग ए भी कर सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू हेलो पाइथन. ओके, सो दोनों का मीनिंग सेम है. आप डबल कोट्स यूज कर लो या सिंगल कोट्स यूज कर लो, डिपेंड्स ऑन योर लॉजिक एंड योर टैक्ट ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम. ओके, सो वी विल सी डायरेक्टली द प्रोग्राम, दैट इज हाउ टू राइट द स्ट्रिंग्स एंड वी विल सी देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो. ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, चलिए पाइथन एडिटर सर्च कर लेते हैं इंटरनेट पे और ओपन कर लीजिए. ओके, सो आप लोग क्या कर सकते हो, ऑनलाइन एडिटर भी यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी कोई पाइथन के यूज कर सकते हो और पाइथन आइडियली भी यूज कर सकते हो, बेस्ड ऑन योर चॉइस. सो जस्ट आई विल ट्राई टू क्लियर द मेन प्रोग्राम एंड सिंपली आई एम गोइंग टू राइट ए इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड और हेलो पाइथन, वॉट एवर हेलो पाइथन. ओके, एंड हाउ टू प्रिंट दिस स्ट्रिंग, हम लोगों ने देखा है प्रिंट फंक्शन हम लोगों ने बहुत बार यूज़ किया है. प्रिंट फंक्शन क्या करता है, हम हमारा एक पर्टिकुलर वेरिएबल जो है, या फिर अगर कोई टाइप फंक्शन या फिर कोई अनदर फंक्शन और मेथड ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप कैन बी आल्सो यूज्ड इनसाइड द प्रिंट मेथड. सो आई एम गोइंग टू प्रिंट डायरेक्टली व्हाट वेरिएबल माई वॉट एवर इज देयर हेलो पाइथन. अभी सपोज आई एम गोइंग टू टेक वन अनदर वेरिएबल, दैट इज बी इज इक्वल्स टू हेलो पाइथन. Okay, now I am going to print it, print B. Okay, हाँ कभी कभी सिस्टम थोड़ी सी हैंग हो जाती है, जस्ट डोंट गेट पैनिक, थोड़ा सा वेट करो. ठीक है, हेलो पाइथन, हेलो पाइथन, दैट इज द बोथ मीनिंग इज सेम. एक मिनट, मुझे यहाँ पर डालना था सिंगल कोट्स. देखिए, क्लियर द शेल एंड रन इट. यस, इट इज रनिंग करेक्टली एंड एग्जैक्टली. देखिए, आप लोग डबल कोट्स डाल दो या सिंगल कोट्स डाल दो, इट डजेंट मैटर. जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट इट प्रॉपर इन प्रॉपर सिंटैक्स. अगर हाँ आप लोग यहाँ पर ऐसे कर देते हो, यहाँ पर डबल कोट्स है और यहाँ पर सिंगल कोट है, क्या आ गया, एरर आ गया क्या. एंड ऑफ लाइन व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल जो है वो ठीक तरह से स्कैन नहीं हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने डबल कोट डाल दिया और यहाँ पर सिंगल कोट. अगर सिंगल कोट यूज कर रहे हो तो यू हैव टू यूज इट ऑन द बोथ ऑफ द साइड्स. ओके, सो नाउ रन इट अगेन, यस इट इज रनिंग करेक्टली. अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि टाइप जो है हमको क्या कर सकता है,
बहुत सारे डेटा टाइप्स का एग्जैक्ट टाइप बताता है, तो फिर वो भी करके देखिए। प्रिंट, यहाँ पर भी हम लोग टाइप यूज कर सकते हैं, टाइप ऑफ ए, यस, व्हाट इट्स क्लास, एसटीआर, एसटीआर इज नथिंग बट व्हाट, स्ट्रिंग, ओके, सेम वे आई एम गोइंग टू राइट दी टाइप ऑफ बी आल्सो, टाइप ऑफ बी, क्लियर द शेल एंड रन इट, ओके, टाइप ऑफ बी, ओके, सो हम लोग ये क्या कर सकते हैं, ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, तो आइडेंटिफाई वेदर द एंटर्ड डेटा टाइप इज स्ट्रिंग और नॉट, अगर स्ट्रिंग नहीं हो तो क्या क्या हो सकता है, ऑल द डेटा टाइप्स आर देयर, वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर्स आल्सो। अभी पाइथन का एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है, सपोज हम लोगों ने ठीक है हेलो पाइथन इट वॉज अ सिंगल लाइन, अगर मुझे क्या लेना है मल्टीपल लाइन्स इन माई पाइथन तो वो कैसे लेते हैं, ठीक है अभी समझो मैंने ये ले लिया, ठीक है एक काम करते पूरा को डिलीट कर देते हैं, ओके, ए इज इक्वल्स टू हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैं एंटर करते जा रही हूँ और उसका कलर चेंज हो गया है, यहाँ पर एरर आ सकता है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, देखिए यहाँ पर डबल कोट से इसका कलर अलग है और इसका कलर अलग है, कलर अलग है मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्ट्रिंग्स, ठीक है अभी इसको क्या करते हैं हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, ओके, क्लियर द शेल एंड ट्राई टू रन इट, यस, एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लेटर, ओके, ई ओ एल एस मीन्स व्हाट, इट इज नथिंग बट द एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ लाइन जो है वो पाइथन के स्ट्रिंग का प्रॉपरली नहीं हुआ है क्योंकि अगर मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स आपको इनपुट देने आपको वेरिएबल को तो आप ऐसे डायरेक्टली असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए पाइथन का एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स और वन ऑफ द फीचर यू कैन कॉल इट, दैट इज वी हैव टू यूज मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स इन पाइथन इन ट्रिपल कोट्स, यस, हमको क्या करना है यहाँ पर कोट्स जो है अभी एरर से रहने देते हैं, इसको हम डबल कोट्स में नहीं डाल सकते, सिर्फ इधर यूज ट्रिपल्स टाइम्स द सेम कोट्स एंड एट द एंड ऑफ द लाइन आल्सो, ओके, सो जस्ट क्लियर इट एंड ट्राई टू रन इट, लेट अस सी, यस, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्ट्रिंग्स, अभी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजिंग सिंगल कोट्स भी हम लोग लिख सकते हैं पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थ्री टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा, अगर हमको मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स जो है वो पाइथन में लेनी है तो उसके लिए कंपलसरी आपको क्या करना है, थ्री टाइम्स डबल कोट्स या सिंगल कोट्स आप यूज कर सकते हैं, ओके, आई हैव टेकन इट हियर एंड आई एम लास्टली आई एम गोइंग टू राइट लाइक दैट, देखिए यहाँ पर हमने थ्री टाइम्स कोट्स लिए, सिंगल कोट्स लिए और थ्री टाइम्स यहाँ पर भी सिंगल कोट्स लिए, ओके, क्लियर द शेल एंड रन इट, यस, इट इज रनिंग करेक्टली, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पाइथन व्हाइल यू आर गोइंग टू हैव द मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स आपको चाहिए यानी कि आप सपोज न्यू स्ट्रिंग ले ले ऑन न्यू लाइन इन द सिंगल वेरिएबल, सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दैट यू हैव टू यूज थ्री टाइम्स डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका क्या होगा, एरर आ जाएगा। Now you have seen what is the definition of the strings, that is strings in Python are nothing but the sequence of characters or we can say that is it is collection of characters also, but there is another definition also, Python ki jo strings hai wo kya hai, they are the collection arrays also, yes absolutely right, that is these are nothing but the character arrays, usko bhi kya karte hai hum log strings bolte hai, ठीक है अभी जनरली देखिए हम लोग क्या करते हैं कैरेक्टर एरेज जो है वो कैसे असाइन करते हैं वो लोगों ने हम लोग डायरेक्टली देख लिया, ओके, बट इसको एक्सेस कैसे करना है, देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं लिस्ट के जो एक्सेसिंग एलिमेंट्स है वो डायरेक्टली हम लोग बाय यूजिंग इंडेक्स कर सकते हैं, सो लाइक वाइज वी आर गोइंग टू यूज द इंडेक्स इन द स्ट्रिंग्स ऑल्सो, जिससे कि हम लोग एरेज में एक्सेसिंग करते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स, ठीक है तो फिर वो भी देख लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू हैलो वर्ल्ड, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट वन रैंडम एलिमेंट फ्रॉम इट, दैट इज आई एम गोइंग टू असाइन सम इंडेक्स टू इट, सपोज आई एम गोइंग टू राइट ए ऑफ टू,
ठीक है, देखिए एल आ गया। ओके ये कौन सा वाला एल है, 0, 1, 2। अगर हम लोग लिखते हैं 4, क्या आ गया आउटपुट, ओ 0, 1, 2, 3, 4। दैट इज जैसे कि हम लोग एरेज की इंडेक्सिंग करते हैं, लिस्ट की इंडेक्सिंग करते हैं, वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन के स्ट्रिंग्स की भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। सो यू कैन सी इट, दैट इट इज़ नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट द सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट द कैरेक्टर एरेज ऑल्सो। ये सब जो है ये मिलाकर क्या होता है, अपना स्ट्रिंग जो है वो बनता है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर एलिमेंट है स्ट्रिंग का वो एक्सेस करके देख लिया। अभी हम हर बार अगर हमको पूरी की पूरी स्ट्रिंग स्कैन करनी है तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि लाइन बाय लाइन, दैट इज इंडेक्स बाय इंडेक्स यू आर गोइंग टू यूज द पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। सो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सपोज आई एम गोइंग टू राइट लाइक दैट ए ऑफ, सपोज आई एम गोइंग टू टेक 7। ओके सो क्या होगा यहाँ पर, ये वाला ओ आ गया और 8 यहाँ पर आता है ये R। सो हमें अगर पूरी की पूरी स्ट्रिंग इटरेशन करनी है तो उसके लिए क्या करना है, सो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू यूज द फॉर लूप्स। यस, यूजिंग फॉर लूप्स व्हाट वी कैन डू, हम लोग उसके इटरेशंस जो है वो यूज कर सकते हैं। तो फिर वो यूज करके देखते हैं फॉर लूप कैसा यूज करना है। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पहले लेक्चर्स में हमने लिस्ट में यूज़ किया है, टपल्स में यूज़ किया है, सेट में भी यूज़ किया है, डिक्शनरीज में भी यूज़ किया है। ठीक है, तो फिर आप लोग देखो यहाँ पर कैसे करना है, ए इज इक्वल्स टू आई एम गोइंग टू राइट लाइक दैट एप्पल। ओके अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे, आई विल राइट द कमेंट लाइक दैट इटरेटिंग in through the strings, through the strings, okay, for suppose I am going to take one variable temporary for I in, what is my name of my variable for I in A, yes I think the name of variable is A, then I am going to write like that print. ओके ओके क्लियर द शेल हियर, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रन द प्रोग्राम। यस, ए डबल पी एल ई, दैट इज वी आर गोइंग टू एक्सेस एलिमेंट्स वन बाय वन, दैट इज इंडेक्स बाय इंडेक्स। सपोज आई एम गोइंग टू राइट लाइक दैट, अगर मैंने ये यूज नहीं किया है, आप लोग क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग डायरेक्टली यहाँ पर भी ले सकते हो। Then try to clear it and run the program. Yes, both are equal. So based on your choice, which methodology you are going to use here. ठीक है, अगर हमारे पास multiple strings है, एक ही variable में multiple strings है, तो उसको भी कैसे iteration करना है वो देखते हैं। Suppose I am going to write here apple, then banana. Okay, and directly I am going to write here like that for I in A. Clear the shell and run it. Apple, comma, space, banana. देखिए यहाँ पर क्या कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पर आप लोग डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखोगे वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, एज अ स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर देखिए एप्पल के बाद हम लोगों ने कोमा ले लिया, उसको भी उसने क्या कर दिया, स्ट्रिंग कंसिडर कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर स्पेस ले लिया, अभी हम लोग क्या करते हैं, स्पेस को डिलीट करते हैं। देखिए डायरेक्टली यहाँ पर स्पेस गायब हो गया, क्योंकि वो क्या करता है, डबल कोट्स के अंदर आप लोग जो कुछ भी लिखोगे उसका मतलब क्या होगा, स्ट्रिंग्स ही रहेगा। ठीक है, सो अभी हम लोग देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, इट इज सेम एज द प्रीवियस डेटा टाइप्स in which we have calculated the length of string using which function, if you remember, using len function, right? So len function hum logo ko kaise use karna hai, directly hum log kar lete hain print then length of a, len function to calculate the length of string, clear the shell and try to run it. Yes, 12.
ओके okay, कुछ मेथड्स जो है वो क्या हो रही है यहाँ पर रिपीट हो रही है, जैसे कि टाइप हम लोग यूज़ कर सकते हैं, टाइप सब डेटा टाइप्स में यूज़ होता है मेथड, उसके बाद लेंथ जो है वो सब डेटा टाइप्स में मोस्टली यूज़ होता है, दैट इज़ हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सो ये हो गया इसके इटरेशंस और इसके लेंथ के बारे में। अब हम लोग देखेंगे दैट इज़ हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर और वेदर अ पर्टिकुलर वर्ड इज अवेलेबल इन द पाइथन स्ट्रिंग और नॉट। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चेक इफ अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन द पाइथन स्ट्रिंग। ओके ठीक है, तो फिर हम लोग देखेंगे एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग ले लेंगे बड़ी वाली, स्ट्रिंग का नाम देंगे टेक्स्ट। ओके टीएक्सटी इज इक्वल्स टू, अभी को एक बड़ी सी स्ट्रिंग ले लो, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द पाइथन स्ट्रिंग्स। ओके अभी हमको क्या करना है, एक पर्टिकुलर वर्ड और एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है ये टेक्स्ट में हमको सर्च करनी है वेदर इट इज़ अवेलेबल इनसाइड द स्ट्रिंग और नॉट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को लेना पड़ेगा पहले हम लोग यूजिंग सिंपल मेथड का देख करके देख लेते हैं, प्रिंट व्हाट आई एम गोइंग टू चेक लर्न। ठीक है, प्रिंट लर्न इन txt। ओके क्लियर द शेल एंड ट्राई टू रन इट ट्रू। देखिए ये क्या आपको देता है, इट इज़ गोइंग टू गिव यू वन बुलियन वैल्यू वेदर द पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज अवेलेबल और इज प्रेजेंट इन दैट स्ट्रिंग और नॉट। अगर ये आपके स्ट्रिंग में नहीं है तो आपका आउटपुट क्या आने वाला है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर डाल के देखती हूँ टीच, टीच यहाँ पर है कि आपकी स्ट्रिंग में नहीं है, तो फिर क्या करना है उसके लिए, क्लियर दिस शेल एंड ट्राई टू रन इट। Yes, what it is going to give you? False. देखिए in this way we can check whether the particular string is present in the Python string or not. Okay, ये तो क्या कर रहा है आपको, either it is going to give you the true value or false value. So हम लोग अब इसको क्या करते हैं, if statement के अंदर कैसे use करना है वो देखते हैं। Now मुझे क्या करना है, if I am going to use another ले दे, if Python in txt, yes, txt is the name of the string. Okay, then I am going to print what, yes python is present in the string txt, whatever the name of it. Yes, clear the shell and try to run it. Yes, Python is present in the string txt. अभी हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एलिमेंट डाल के देते हैं, सपोज आई एम गोइंग टू राइट टुमारो, यस टुमारो इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग txt। देखिए टुमारो स्ट्रिंग में नहीं है तो उसने क्या कर दिया, उसने कुछ भी आउटपुट प्रिंट नहीं किया। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिर एल्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे डिवाइड करना है, अगर आपकी स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है तो उसको क्या चाहिए, कुछ तो आउटपुट तो लिखना होगा ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एल्स लिखेंगे। ठीक है, सो एल्स प्रिंट नो टुमारो इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग txt। ओके Just try to clear the shell. It is already clear and run it. Yes, no, tomorrow is not present in the string txt. ठीक है, इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखने की वजह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जो जरा हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली नॉट लिख सकते हैं। यस नॉट इज ऑल्सो अवेलेबल देयर, पॉजिटिव है तो उसके साथ क्या रहेगा आपके लिए, निगेटिव भी रहेगा, तो फिर वो करके देखेंगे। ओके क्लियर द शेल हियर एंड clear the code here firstly. Okay, I am going to check whether tomorrow is not present there. Okay, so I am directly going to use the print statement. Print tomorrow
not in txt. Try to run it. Yes, true. Tomorrow इसमें क्या है? Present नहीं है, तो output क्या आने वाला है आपका? By default true आएगा. अभी हम लोग लिखते हैं today. Today is not in txt. No, today is available in txt. That's why it is going to return answer as false. Okay? So ये हम लोगों ने क्या कर दिया? Using boolean values. So वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? If भी यूज कर सकते हैं, तो फिर वो देखते हैं. अभी हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली इफ यूज करते हैं. सॉरी, इफ हम लोग क्या लिखेंगे अभी? टुमारो नॉट इन टी एक्स टी, देन आई एम गोइंग टू प्रिंट व्हाट? प्रिंट यस टुमारो इज नॉट प्रेजेंट इन टी एक्स टी. ओके, यहाँ पर डबल कोट्स लिख रह गए हैं, तो वो फिर डाल दो टी एक्स टी और यहाँ का डबल कोट. ओके, सो जस्ट ट्राई टू क्लियर द शेल एंड रन इट. यस, टुमारो इज नॉट प्रेजेंट इन टी एक्स टी. अभी टुमारो की वजह हम लोग क्या करेंगे? टुडे. यस, यहाँ पर क्या है हमारा? टुडे. Today is not present in txt. Clear the shell and try to run it. Yes, इसने run क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था? Condition जो है वो true नहीं हो रही थी, तो उसको क्या कर दिया? उसने print कर ही नहीं दिया. तो उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे? Else statement लिखेंगे. Else print what? No. Today is present in txt. ओके, फिर से हम लोग क्या कर गए? डबल कोट्स भूल गए. कोई बात नहीं, डाल दो उसको एंड क्लियर द शेल. नो, टुडे इज प्रेजेंट इन द txt. ओके, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट वेदर द पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन योर स्ट्रिंग और होल स्ट्रिंग और नॉट. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. देन वी आर गोइंग टू सी हाउ टू डू द स्लाइसिंग इन द पाइथन स्ट्रिंग्स. सो अभी हम लोग देखेंगे स्लाइसिंग कैसे करते. दैट इज स्लाइसिंग इन पाइथन स्ट्रिंग्स. ओके, व्हाट इज मीन बाय स्लाइसिंग? फर्स्ट, इन यूजिंग स्लाइसिंग यू कैन हैव द डिफरेंट रेंज ऑफ कैरेक्टर्स. एंड फॉर दैट पर्पज व्हाट यू हैव टू यूज? यू हैव टू यूज द ब्रैकेट्स, एंड इनसाइड दैट ब्रैकेट्स यू हैव टू स्पेसिफाई रेंज. सपोज आई एम गोइंग टू राइट दैट 2:5. सो दिस कोलन इज गोइंग टू स्पेसिफाई द रेंज. दैट इज फॉर how many characters or how many particular strings you are going to slice your string. So we will see that also by using one simple program. Okay, so clear the shell and clear the whole program also. Python program to slice the strings. Okay, अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे? आई एम गोइंग टू राइट वन स्ट्रिंग लाइक दैट. सपोज ए इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड. ओके, और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? इसको स्लाइसिंग करने वाले हैं. तो प्रिंट ए इनसाइड दी स्क्वायर ब्रैकेट्स आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई इट्स रेंज. दैट इज 2:5. Clear the shell and try to run it. Double L O. अभी देखिए यहाँ पर इंडेक्सिंग जो है वो कैसे यूज की जा रही है. जनरली पाइथन इंडेक्सेस आर गोइंग टू स्टार्ट विथ जीरो. सो यहाँ पर क्या है? 0HELLO 0 1 2. ओके, ठीक है, इसने क्या कर दिया? 2 से स्टार्ट कर दिया. दैट इज वॉट? 0 1 2 L 3 4 O एंड 5 इज वॉट? 1 स्पेस. तो यहाँ पर इंडेक्सिंग कैसे यूज होती है? देखिए, स्टार्टिंग विथ द इनिशियल वैल्यू दैट इज 2 एंड एंडिंग विथ लास्ट वैल्यू -1. तो फिर यहाँ पर क्या आ गया? ओ आ गया. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सपोज आई एम गोइंग टू राइट लाइक दैट 8. क्लियर इट एंड ट्राई टू रन इट. डब्ल्यू ओ, देखिए 0 1 2 3 4 5 6
7 एंड 8 कैरेक्टर इज वॉट आर. सो आर से पहले जितने भी कैरेक्टर्स है वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर आपके डायरेक्टली प्रिंट हो जाएंगे. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्लाइसिंग इज वॉट. सपोज आई एम गोइंग टू राइट लाइक दैट प्रिंट ए इन स्क्वायर ब्रैकेट्स व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर नथिंग इज देयर एंड टू टिल द 8th. क्लियर द शेल एंड ट्राई टू पहले हम लोग क्या करते हैं इसको कमेंट्स में डाल देते हैं. हेलो डब्ल्यू ओ. देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, कोई एक स्पेसिफाई इंडेक्स कर दी क्या नहीं, क्योंकि अगर बाय डिफॉल्ट हम लोग वहाँ पर कुछ स्पेसिफाई करते नहीं है बिफोर द कोलन, सो वो क्या कर देगा स्टार्ट ऑफ द इंडेक्स दैट इज नथिंग बट द जीरो. सो दिस इज गोइंग टू स्पेसिफाई व्हाट स्टार्ट ऑफ द इंडेक्स एंड अप टू वट एवर द कैरेक्टर्स यू हैव स्पेसिफाइड दी. सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया था, इसका मीनिंग क्या होता है सीधे सीधा 0 to 8. सो फिर 0 कहाँ पर है H H डबल एल ओ दे उसके बाद स्पेस W O दैट इज नथिंग बट द यूजिंग दिस कोलन्स फॉर दैट. अभी हम लोग क्या करते हैं सेम वाइस वर्सा A और उसका क्या कर देंगे फिर से हम लोग अभी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 2 to nothing. सो क्लियर द शेल एंड ट्राई टू रन इट. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 2 to देर इज नथिंग दैट इज हम लोगों ने वहाँ पर एम्प्टी कर दिया दैट इज दैट एम्प्टी इज गोइंग टू शो यू द एंड ऑफ योर इंडेक्स दैट इज एंड ऑफ योर स्ट्रिंग. तो फिर यहाँ पर हम लोग कमेंट में लिखते हैं एंड ऑफ द इंडेक्स और योर स्ट्रिंग. सो यहाँ पर देखिए 2 कहाँ पर है आपका 0 1 2 क्या है L एल एल ओ और लास्ट को क्या आ रहा है आपका वर्ल्ड एंड कोलन. दैट्स वाई वी कैन यूज दिस अल्टरनेटिवली एज पर दी ओरनेट. अभी हम लोग यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to 8 आउटपुट क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा. यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं हम वॉट इज द लास्ट नेक्स्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 2 सपोज आई एम गोइंग टू राइट 11 वॉट इट इज गोइंग टू प्रिंट हाँ एक रह गया उसका क्या है 12th माइनस 1 लेता है ना वो ठीक है डबल एल ओ फॉल्ट. ओके सो आप लोग ये भी यूज कर सकते हो बट इतना झंझट करने की जरूरत नहीं क्योंकि पाइथन आपको क्या करता है बाय डिफॉल्ट ये कैरेक्टर्स की जो स्पेसिफिकेशन है बाय यूजिंग इंडेक्स वो दे देता है. सो यू कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस क्लियर दिस शेल एंड ट्राई टू रन इट. हेलो डब्ल्यू ओ डबल एल ओ वर्ल्ड. ओके अभी हम लोगों ने लिस्ट में भी देखा था टपल्स में भी देखा था इंडेक्सिंग वहाँ पर भी यूज हुई थी पर अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं निगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज़ करते हैं जैसे कि हम लोगों ने लिस्ट टपल्स में भी देखा था हाउ टू यूज द निगेटिव इंडेक्सिंग वी हैव सीन दैट ऑल्सो. जस्ट वी विल ट्राई टू अप्लाई दिस लॉजिक ऑन स्ट्रिंग्स ऑल्सो. ओके अभी हम लोग क्या करेंगे टू यूज निगेटिव स्ट्रिंग्स. ओके I will try to delete the old all the program coding lines. Now I am going to print like this. Print A. अभी हम लोग क्या कर देंगे directly इसको करेंगे -5 to -2 ठीक है क्या आता है देखते हैं. Clear your shell and try to run it. O R L. देखिए क्या होता है यहाँ पर निगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से चालू होती है रिवर्सिंग से. सो रिवर्स को क्या आता है हमारा कोलन जो है वो कहाँ पर आता है -1 देन डी -2 -3 -4 and -5. सो दैट्स वाई ओ आर यहाँ पर आया क्योंकि -5 लोकेशन पर क्या है ओ उसके बाद आर और एल -2 के एक पहले दैट इज 1 बिफोर दी -2. सो यू कैन यूज द निगेटिव इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग्स ऑल्सो विच इज़ वेरी यूजफुल व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म सम ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑपरेशंस. So I hope you understand how to perform the slicing operations on the strings and how to use their indices also. That is index we can use for having the direct access to the particular elements from the strings. So abhi iske baad hum log ek nayi baat dekhenge that is Python is having inbuilt functions to perform the different operations on it. So we will see them some of them one by one. Python inbuilt methods to perform
operations on strings. ठीक है, चलिए देखते हैं. सो पहली मेथड हम लोग क्या देखेंगे, उसके लिए हम लोग एक क्या करेंगे, पाइथन के स्ट्रिंग ले लेंगे. हेलो पाइथन. ओके, सो अभी स्ट्रिंग ले ली हम लोगों ने. अभी क्या करना है इसमें, आफ्टर टेकिंग स्ट्रिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डायरेक्टली यूज द पाइथन इनबिल्ट मेथड टू हैव द अपर केस ऑफ द ऑल एलिमेंट्स. सो उसके लिए क्या है हमारे पास, ए डॉट अपर. देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है. क्लियर दी शेयर एंड ट्राई टू रन इट. हेलो पाइथन. सो हाउ इजीली वी कैन कन्वर्ट अवर पाइथन स्ट्रिंग टू द अपर केस. अभी अपर केस जो है वैसे ही क्या होगी, लोअर केस भी होगी, तो फिर वो भी देखते हैं. पहले क्या करते हैं, इसके सामने कमेंट डाले, सो दैट यू हैव बेटर आइडिया अबाउट इट. टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इन टू अपर केस. अभी नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इन टू लोअर केस. सो उसके लिए क्या है हमारे पास फंक्शन, ए डॉट लोअर. क्लियर द शेल एंड ट्राई टू रन इट. यस, हेलो पाइथन, यू कैन सी हाउ इजिली वी कैन कन्वर्ट अपर टू लोअर एंड लोअर टू अपर. अभी नेक्स्ट मेथड जो है वो क्या है, टू रिमूव द वाइट स्पेसेस. अभी व्हाट इज द वाइट स्पेसेस, वाइट स्पेसेस आर नथिंग बट दैट अननेसेसरी कैरेक्टर्स और स्पेसेस दैट आर बिफोर योर स्ट्रिंग और आफ्टर योर स्ट्रिंग. सो उसको हम लोग पाइथन में डायरेक्टली यूजिंग अ स्ट्रिप मेथड डिलीट कर सकते हैं. सो देखते हैं, टू डिलीट और टू रिमूव द वाइट स्पेसेस. फिर चलिए करते हैं, कैसे करेंगे हम लोग उसको, डायरेक्टली प्रिंट करेंगे, प्रिंट ए डॉट स्ट्रिप, और वो क्या कर देगा आपको, डायरेक्टली रिटर्न कर देगा द स्ट्रिंग विदाउट हैविंग द वाइट स्पेसेस. सो ट्राई टू क्लियर इट एंड रन इट. ओके, आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोगों ने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया हुआ है. ठीक है, सो ज़रा स्पेस देते हैं एक्स्ट्रा एंड क्लियर द शेल एंड रन इट. देखिए यहाँ पर आप लोग स्ट्रिंग में डायरेक्टली देख सकते हैं कैसे हो रहा है. यहाँ पर स्पेस है और लास्टली यहाँ पर क्या हुआ है, उसका पूरा का पूरा स्पेस जो है वो रिमूव हो रहा है बाय बिकॉज ऑफ यूजिंग द स्ट्रिप मेथड. सो अगर आपके पास अनवांटेड और अननेसेसरी वाइट स्पेसेस जो है वो क्या करता है पाइथन, यूजिंग स्ट्रिप मेथड डिलीट करता है और रिमूव करता है. ओके, अभी ये सब हो गया, हाउ टू कन्वर्ट इट टू अपर लोअर और हाउ टू रिमूव दी अननेसेसरी वाइट स्पेसेस. अभी हम लोग क्या देखेंगे, हाउ टू रिप्लेस अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग कैरेक्टर्स. सो उसके लिए हमको क्या करना है, डायरेक्टली रिप्लेस मेथड जो है पाइथन के इनबिल्ट रिप्लेस मेथड है स्ट्रिंग्स के लिए, वो हमको यूज करनी है. सो सिंपली आई एम गोइंग टू यूज रिप्लेस द स्ट्रिंग इन पाइथन. So I'm directly going to write like that, print a dot replace. What I'm going to write, suppose I have to convert, or I have to just try replace e with I. I'm going to replace e with I and directly going to print it. So try to run it. Look, e क्या हो गया, आई से रिप्लेस हो गया. सो दिस इजिली वी कैन हैव द रिप्लेसमेंट ऑफ कैरेक्टर्स इन द पाइथन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. वट हमने यहाँ पर क्या किया है, रिप्लेस मेथड जो है वो पाइथन की वो यूज़ की है, और यूजिंग दैट रिप्लेस मेथड आई हैव डायरेक्टली कन्वर्टेड द पर्टिकुलर स्ट्रिंग कैरेक्टर टू द एक्सपेक्टेड कैरेक्टर. इट इज नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज दैट हाउ टू स्प्लिट द कैरेक्टर स्ट्रिंग. अभी हम लोग वो देखते हैं. ठीक है, ये डिलीट कर देते हैं. ओके, हाउ टू रिप्लेस दिस स्ट्रिंग. अभी हम लोग देखेंगे हाउ टू स्प्लिट द स्ट्रिंग. ठीक है, अभी टू डिलीट द और टू डिलीट दिस स्ट्रिंग्स व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, वी आर गोइंग टू डायरेक्टली रिप्लेस देम. अभी हम लोगों को क्या करना है, उसको स्प्लिट करना है हमारे स्ट्रिंग को. तो उसके लिए क्या करना है हमको, डायरेक्टली स्प्लिट मेथड जो है पाइथन की वो यूज करनी है.
यूजिंग दी स्प्लिट मेथड. अभी स्प्लिट मेथड कैसे यूज करते हैं देखिए. डायरेक्टली हम वी आर गोइंग टू राइट ए डॉट स्प्लिट, बट स्प्लिट कहाँ पर करना है, दैट इज वी हैव टू मेंशन दैट सेपरेटर, देन ओनली वी कैन स्प्लिट दैट स्ट्रिंग. नाउ सपोज आई एम गोइंग टू राइट लाइक दैट, प्रिंट ए डॉट स्प्लिट, और उसका सेपरेटर जो है वी हैव टू मेंशन दैट पर्टिकुलर सेपरेटर. सपोज आई एम गोइंग टू राइट हियर कोमा एंड माय सेपरेटर विल बी कोमा हियर, राइट, डबल कोट्स एंड द सेपरेटर कोमा. क्लियर दिस शेल एंड ट्राई टू रन इट. लुक, हेलो पाइथन. नाउ इफ आई एम गोइंग टू राइट बिफोर स्प्लिटिंग व्हाट विल बी द स्ट्रिंग, प्रिंट ए, सो दैट यू हैव बेटर आइडिया. देखिए हेलो पाइथन ये एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है और उसको क्या कर दिया है हम लोगों ने, स्प्लिट कर दिया है बाय यूजिंग दी सेपरेटर कोमा. देखिए यहाँ पर सेपरेटर कोमा है. अगर आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व की है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स आ चुके हैं स्प्लिट के बाद. सो वी कैन कंक्लूड दैट स्प्लिट मेथड इज गोइंग टू स्प्लिट योर स्ट्रिंग बाय यूजिंग द पर्टिकुलर सेपरेटर विच इज मेंशनड और विच इज असाइंड टू स्प्लिट, एंड देन it converts that string to the list. Yes, you can see here it is converted to the list because there are square brackets here. Now to cross verify this, what we can do is suppose I am going to write here the type of a, okay, print type of a which is what, string. Aur uske baad hum log kya kar denge, split ko jo hai I am going to take another variable for it, b is equals to a dot split. And what is the split separator? Comma. And I am going to print the type of b. Print type of what, b. Dekhte hain, clear the shell and try to run it. Yes, what you can see here that ek yahan par hello python hai and hello python jo separated hai aur uska class kaun sa ho chuka hai, class list. So we can see here by using the split method we are going to split the strings by using the particular separator, और उसका क्या होगा, string का जो conversion है वो list में हो जाएगा. So in this way we can use the split method to split or to separate your strings. Now we will see that is some of the string operations that we are going to perform. That is first operation will be the Python string concatenation. ठीक है, देखिए अभी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हमको करना है तो क्या करना है, वी हैव टू जॉइन टू स्ट्रिंग्स. सो उसके लिए हम लोग लेते हैं पहली स्ट्रिंग ए इज इक्वल्स टू हेलो एंड नेक्स्ट वन आई एम गोइंग टू यूज बी इज इक्वल्स टू पाइथन. अभी कॉन्कैटिनेशन करने के लिए आपको सिर्फ एक ऑपरेटर यूज करने की जरूरत है, दैट इज ए प्लस बी विच इज गोइंग टू डू द कॉन्कैटिनेशन ऑफ द टू स्ट्रिंग्स. एंड लास्टली आई एम गोइंग टू प्रिंट वॉट, प्रिंट सी. ठीक है, यहाँ पर प्रिंट ए भी कर लेते हैं और उसके बाद प्रिंट बी भी कर लेते हैं. यस, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, हेलो पाइथन ए एंड बी आर देयर एंड देन हेलो पाइथन इज देयर. बट यहाँ पर क्या है, हमको स्पेस चाहिए, तो फिर हम वो भी यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्कैटिनेशन. देखिए हम लोग को कैसे करना है, डाल दीजिए इसके लिए प्लस और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे वन स्पेस and clear the shell and try to run it. देखिए क्या आ गया, hello python. Okay, so you can have the string variables as well as the strings here also. I am going to use comma here. देखते क्या होता है, hello python. So how easily we can use the string concatenations here. अभी हमने देखा यहाँ पर क्या है, we can concatenate two strings. But what if I am going to join string with the number? So तब क्या होगा, हम लोग देखते हैं. To perform the string concatenation with numbers. Suppose hello and I am going to write here like that 1, 2, 3. Okay, हम लोगों ने print कर दिया and I am directly going to print it. देखिए यहाँ पर error क्या आ गया, can only concatenate str not into str. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोग सीधा सीधा देख सकते हैं, हेलो जो है वो क्या है, स्ट्रिंग है और 1, 2, 3 जो है वो क्या है, इंटीजर है. सो स्ट्रिंग और इंटीजर का कॉन्कैटिनेशन नहीं होगा.
तो उसको कॉन्कैटिनेशन करने के लिए हमें फॉर्मेट जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं वो क्या है। बे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये डिलीट करते हैं, ठीक है। अभी फॉर्मेटिंग के लिए हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर लेना पड़ेगा या फिर एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं हम लोग कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। सो कर्ली ब्रेसेस के अंडर क्या होगी, आपकी फॉर्मेटिंग होगी। अभी देखिए यहाँ पर फॉर्मेट मेथड हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो मैं लिखूँगी डायरेक्टली प्रिंट। अभी मुझे क्या करना है, किसका कॉन्कैटिनेशन करना है, हेलो का 1 2 3 के साथ, दैट इज़ आई एम गोइंग टू कॉन्कैटिनेट ए विद बी। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए डॉट फॉर्मेट ऑफ बी, ओके। सो क्लियर योर शेल हियर एंड ट्राई टू रन इट। यस इट इज़ रनिंग करेक्ट, दैट इज़ व्हाट, हेलो स्पेस 1 2 3। सो देखिए यहाँ पर क्या कर दिया फॉर्मेट ने, फॉर्मेट जो क्या कर देता है, ये पास्ट आर्गुमेंट है, इट एक्सेप्ट्स द पास्ट आर्गुमेंट्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू द स्ट्रिंग्स। ये कर्ली ब्रेसेस जो है इसके अंडर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रिंग में कन्वर्जन होके जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज द फॉर्मेटिंग फॉर कॉन्कैटिनेटिंग द स्ट्रिंग्स विथ नंबर्स और फ्लोट्स, दैट इज एनी अदर डेटा टाइप रादर दैन द स्ट्रिंग्स। सो उसके लिए हमको डायरेक्टली क्या करना है, कॉन्कैटिनेशन नहीं करना है यूजिंग प्लस ऑपरेटर। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग जो है वो यूज करेंगे। अभी सपोज मुझे यहाँ पर क्या करना है, आई वांट टू हैव मल्टीपल नंबर कॉन्कैटिनेशंस, वो कैसे करना है वो भी हम लोग देखते हैं। सो आई एम गोइंग टू रीड दिस कोड। सपोज आई एम गोइंग टू हैव 10, देन बी इज इक्वल्स टू 20 एंड सी इज इक्वल्स टू 50.25 वॉट एवर 27, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले देंगे, माई str, my string is equals to hello I am going to buy dash, that is braces, pieces of what we can say, cupcakes for how many rupees here, for how many rupees, okay। आई थिंक एक ही वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, देखते हैं एज पर आवर नीड। सो अभी हमको यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मेटिंग का प्रिंट करना है, ठीक है। सो क्या करेंगे, हमको कहाँ पर कॉन्कैटिनेशन कराएं, माई एस टी आर डॉट देन आई एम गोइंग टू राइट इज एज फॉर्मेट, ठीक है। सो पहले फॉर्मेट में क्या आएगा आपको, हाउ मेनी पीसेस, सपोज आई एम गोइंग टू बाय 10 pieces। सो उसके लिए क्या है, 10 के लिए हमारे पास वेरिएबल है ए, एंड देन नेक्स्ट वॉट आई एम गोइंग टू यूज फॉर डैश रुपीज ईच, ऐसे करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज वॉट आई एम गोइंग टू हैव, नेक्स्ट वन इज सपोज आई एम गोइंग टू हैव 1 cup के वीज फॉर सी, दैट इज 50.27, ओके। सो पहले देखते हैं, आई एम गोइंग टू क्लियर दी शेल हियर एंड ट्राई टू रन इट। देखिए अभी यहाँ पर क्या होता है, I am going to buy 10 pieces of cupcakes for 50.27 rupees each. हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वी कैन यूज़ दिस डायरेक्टली बाय यूजिंग द कर्ली ब्रेसेस। दिस इज नथिंग बट वॉट कॉल्ड एज द फॉर्मेटिंग हियर, ओके। सो थोड़ा सा अभी डिफरेंट मेथड देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो इंटीजर्स है उनके इंडेक्सिंग भी यूज़ कर सकते हैं, यस। अभी वो कैसे करने है देखते हैं। आई एम गोइंग टू बाय, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 एंड यहाँ पर लिखेंगे 0, देखते क्या होता है। देन आई एम गोइंग टू डू व्हाट, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू यूज़ ए एंड सी हियर, ओके। क्लियर द स्क्रीन एंड ट्राई टू रन इट। देखिए यहाँ पर अभी क्या होता है, ओके 50.27 यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 50.27 ऑफ पीसेस यहाँ पर, क्योंकि क्या कर दिया उसने, 0 एंड 1 ए एंड सी को कंसिडर कर दिया, क्योंकि अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ सी आई एम गोइंग टू यूज़ दी बी, सो दैट पीसेस कभी 0.727 में नहीं आ सकते, क्लियर। यस आई एम गोइंग टू बाय 20 pieces ऑफ कप केस फॉर 10 rupees ईच, ठीक है। यूजिंग दिस इंडेक्स वी कैन यूज द फॉर्मेटिंग ऑफ स्ट्रिंग्स ऑल्सो, दैट इज नथिंग बट द कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स टू द इंटीजर्स एज वेल एज द फ्लोट्स।
Now, next point that we are going to study is that is how to use the escape sequence characters in the Python. That is escape characters in the Python. देखिए अभी मुझे चाहिए एक ऐसी string a is equals to suppose I am going to write like that India is my country, okay, and complete the colon also. देखिए यहाँ पर क्या हो गया हमारा string का double quote complete यहाँ पर कर दिया और India का तो यहाँ पर हमने कर दिया है. अभी हम लोग क्या करते हैं print a करते हैं clear the shell and try to run it. देखिए invalid syntax, अरे syntax तो correct था, हमने India को क्या कर दिया सिर्फ double quotes में लिख दिया क्योंकि I want to highlight it. But this is directly using the double quotes inside the double quote, that is strings, is not allowed. That's why we are going to use the escape sequence characters in the Python. Now how to print this India correctly as per the our need, हमको क्या करना है India को highlight करना है, इसके लिए उसको क्या कर दिया हम लोगों ने double quotes में लिख दिया है, ठीक है. पर अब उसको highlight कैसे करें, that is the question. So, उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, escape character use करना है और that escape character is nothing but the backslash and backslash, okay. So, यहाँ पर क्या होता है, जो special characters होते हैं और special symbols जो है वो directly हम लोग string में use नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए Python ने हमें क्या दिया है, ये escape sequence characters जो है वो दिए हुए हैं. तो फिर अभी run करके देखते हैं, clear the shell and try to run it. India is my country. Yes, it is running correct. I hope you understood why to use this escape sequence characters. देखिए अभी सपोज मुझको क्या करना है, इसको सिंगल कोट्स में लेना है, तो देखते क्या होता है, इंडिया एंड सिंगल कोट्स कंप्लीट, ओके, ट्राई टू रन इट, यस इंडिया इज माई कंट्री. ये क्या है, डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स है, वो वैसे रन हो गया. अभी हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द डबल कोट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगल कोट्स जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है. यहाँ पर लिखते हैं सिंगल कोट्स और यहाँ पर लिखते हैं सिंगल कोट्स, क्लियर द शेल हियर एंड जस्ट अ मिनट, ट्राई टू डिलीट दिस एंड रन इट. देखिए इनवैलिड सिंटैक्स, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स क्यों, क्योंकि ये जो सिंगल कोट्स है, जस्ट अ मिनट, एक सिंगल कोट है क्या हमारा, हाँ अब देखिए वो उसको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है बिकॉज दिस इज एरर रिगार्डिंग टू द एस्केप सिक्वेंस कैरेक्टर. सो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बैक स्लैश सिंगल कोट्स एंड बैक स्लैश सिंगल कोट्स, ओके, क्लियर द शेल एंड ट्राई टू रनिंग, यस इंडिया इज माय कंट्री, इट इज रनिंग करेक्टली. सो फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द सेशन लेट मी टेल यू अबाउट द अन अकेडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस. सो लेट मी टेल यू फर्स्ट अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, दैट इज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड एंड इट्स एडवांस्ड वर्जन इज वॉट आइकॉनिक, ओके. जस्ट लेट मी टेल यू अबाउट वॉट इज द प्लस सब्सक्रिप्शन. We are having the India's best educators, the interactive live classes, live tests and quizzes also. Obviously, we are going to provide you notes using the structured courses and PDFs also. So, as per the name, the Iconic is the advanced version of the Plus. So, here what you are going to do, you are going to take your CBSE preparation to the next level and with the most benefit of personal mentors. Yes, absolutely right. You are going to have the personal mentors here using the live doubt solutions, then parent connection and study planner. Okay, it is having the same sum of the quantities or characteristics of Plus, that is India's best educators are there, then interactive live classes, live tests and quizzes also. So we are having the mega launch Mondays also, in which we are going to start the new batches to master maths, science, SST, English and Hindi full syllabus. So this is for the CBSE class 10, which is called as the mission half yearly, in which you are going to have SST, that is social sciences, then maths, science and English with top educators. And for class 9, we can solve the numericals and NCRT exercises with the maths and science subjects. So we are having the unacademy batches also.
That is, we are having the new batches every Monday. For the CBSE class 9, we are having the summer express batch. इसमें क्या है हम लोगों को समर एक्सप्रेस बैच में मैथ्स है और साइंस है. और इसकी जो स्टार्ट डेट है वो है 7th June 2021 एंड एंड डेट इज 7th July 2021. सो टू सब्सक्राइब पर क्लास 9 एंड गेट द क्लास 10th 11th एंड 12th सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री. So let me elaborate about the our plus subscriptions and iconic subscriptions. So friends, here you can see that for class 9 subscription we are having two, that is iconic and plus subscriptions. Now in under the plus subscription you must choose for the 12 months subscription, that is for rupees 15,000, and for 36 months you can have the plan of 32,000. And if you go for the iconic subscription, you can have the 12 months plan for 28,000 and 36 months plan for 66,000. Okay, this is about the class 9. अगर आप लोग क्या करोगे class 9 का जो subscription लोगे उसको आपके लिए क्या benefit रहेगा, आपको class 10th 11th और 12th का भी रहेगा. So now same in the case of class 10th. Okay, अभी यहाँ पर आप लोग लिखिए क्लास 10 के सब्सक्रिप्शन को यहाँ पर क्या है, प्लस सब्सक्रिप्शन भी है और उसके साथ क्या है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है. सो अगर आप लोग क्या करते हो क्लास 10 का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको उसके साथ क्या मिलता है, 11th और 12th का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है. सो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, 3 months 6 months 12 months 15 months 18 24 एंड 36 months. अगर आप 12 months सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे तो आपके लिए क्या रहेगा, रुपीज़ 15,000 का रहेगा सब्सक्रिप्शन. अगर आप 36 मंथ के लिए जाओगे तो आपके लिए क्या रहेगा, 32,000 का सब्सक्रिप्शन रहेगा प्राइस. सो नाउ इन द केस ऑफ आइकॉनिक, सो 12 मंथ्स का आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो रहेगा 28,000 एंड 36 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका रहेगा 66,000. ओके, सो एज आई हैव सेड द प्लस का एडवांस वर्जन जो है वो हमारा क्या है, आइकॉनिक है. सो फ्रेंड्स लेट मी टेल अबाउट द अन अकेडमी एमर्ज. सो इट इज व्हाट इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर क्लास 6 टू 12th एंड द टेस्ट डेट एंड टाइम आर 28 जून 12 PM. सो किस बात की, सो स्टूडेंट्स यू कैन स्टार्ट द रजिस्ट्रेशन फॉर द सेम. What is actually the अन अकेडमी एमर्ज, सो इसमें आपके लिए क्या रहेगा, 30 एप्टीट्यूड क्वेश्चंस रहेंगे, देन उसमें रहेगा आपके लिए 60 मिनट्स का चैलेंज. 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने हैं, 60 मिनट्स है टोटली. एंड यस एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस. एंड अगर आप लोग ये अटेम्प्ट करते हैं और प्राइज जीतते हैं तो उस वो रहेगा प्राइज वर्थ ऑफ 5 crores. सो दैट किस पर के स्टूडेंट्स, just enroll to the an academy emerge and attempt for the aptitude exam. So to win the 5 crores scholarships also available for that, win scholarships and mega prizes like MacBook, iPhone, iPads, exciting goodies, certificate, trophies and much more worth Indian rupees 5 crore. Yes, absolutely correct. So friends, just start to enroll now for this our an academy aptitude test. Okay, in this you are going to have the 7 lucky winners in which you are going to win the exciting goodies every day, and this offer is valid till the date of the 7th June only. So enroll now. And yes, link jo hai niche diye gaye description mein di hai, so please wahan par jaye link ko click kare aur आप एनरोल करना ना भूलें. इट विल बी हैविंग द फन फॉर यू, दैट इज हैविंग द एप्टीट्यूड टेस्ट विथ नो प्रिपरेशन एट ऑल. सो फॉर आवर अन अकेडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देयर इज 10% डिस्काउंट इफ यू यूज दिस कोड, दैट इज माय कोड इज TDLIVE. सो इफ यू यूज दिस यू आर गोइंग टू हैव द 10% डिस्काउंट ऑन अन अकेडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. ओके, एंड टू डाउनलोड द ऐप
Unacademy app. Now you can go on to the Google Play Store, and if you are having iPhones, you can go to the Apple Play Store and download the app and install it. Then you can have all of these features for free. And yes, obviously, to have the plus subscription, you can also have the subscription with the flat 10% discount with my code here, as I have entered here. So that is what case, friends. Let's do it and let's crack it. Okay. So thank you for today's session. Okay. Thank you, students. We will meet in the next session. Till then, bye.